मैंने दोबारा शादी क्यों नहीं की। जब मेरी डिवोर्स हुई हालात बहुत ज्यादा खराब थे, किसी किस्म का लग नहीं रहा था कि इस बंदे के साथ गुजारा होगा। जहाँ पर कोई लड़की अकेली हो तो वहाँ पर उसको बहुत सारी निकाह की ऑफर्स आती हैं, अच्छे खासे लोग उसको बोलते हैं हम आपके खर्चात उठाएं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल जब हमजा घर पर आया ना तो मुझे यूं लगा कि मेरे सर के ऊपर से पहाड़ जितना बोझ उतर गया है। बच्चे इतने ज्यादा खुश हो गए, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई, और आमना ने हमजा की फेवरेट बीफ बिरयानी रात को बनाई थी जो हमजा को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद हमजा भी सो गया और रात को 4 दिन के बाद मैं भी पुरसकून नींद सोई। सारे काम करने के बाद मैं अपने ऊपर वाले घर में आई हूँ और ये देखें, ये जो कपड़े हैं ना, हमजा घर पर ही था तो मैंने धोए थे। जब हमजा चला गया तो उसके बाद मेरा कोई काम करने का दिल नहीं किया, ये यहीं पर रखे हुए हैं, ना मैंने इनको तय लगाया है ना कुछ। और आमना ने ये वाला पर्दा यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि कपड़ों के ऊपर डस्ट ना पड़े। और इस तरफ मैंने कुछ सर्दियों के कपड़े निकाले थे, वो भी वहीं पर रखे हुए हैं। और ऊपर वाले घर में बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है, घर गंदा हो रहा है। हमजा जब से गया है ना तो मैं ऊपर आई नहीं हूँ और ना ही मैंने यहाँ पर सफाई की है। से ये बात सुनने को मिल रही है कि हमारे यहाँ मौसम अच्छा होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि गर्मी अभी वापस आ रही है। से यहाँ मेरे रखे हुए सारे प्लांट्स जल गए हैं, सूख गए हैं। बरसात के मौसम में इनके ऊपर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते थे लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं। 4 दिन से मैं ऊपर आई ही नहीं हूँ, इन पौधों को पानी भी नहीं दे सकी, तो अभी इनको मैं अच्छी तरह से पानी भी दे देती हूँ। अभी मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और मोहम्मद अहमद आज ट्यूशन मदरसा गए नहीं है तो वो अभी सो रहे हैं। तो नीचे वाले किचन में और घर में मैंने कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग की। हमारे किचन में एक यही इकलौता छोटा सा ड्रॉ, उसके अंदर इन चीजों को रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज मैंने ये एक बड़ी सी लकड़ी लगाई है यहाँ सिंक के ऊपर और उसके ऊपर ये वाले कील लगा के ना ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लटका दी है। जरूरत पड़ने पर इजिली मिल जाती है और सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी हो गई है अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर गोल मिरर के साथ मैंने ये छोटा सा शेल्फ खुद ही लगा लिया है और इसके अंदर मैंने सारी जो सन ब्लॉक और स्किन केयर की चीजें या फेस वॉश होते हैं ना वो सारे रख लिए हैं। तो आज मोहम्मद अहमद की छुट्टी थी तो इसलिए ये मजे के साथ पंखा चलाकर सो रहे हैं। अहमद सो रहे हैं इसलिए मैं अंधेरे में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने अपने बेडरूम की भी कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग की है, वो आपको दिखाती हूँ। मेरे कमरे में कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा शेल्फ वगैरह नहीं लगा हुआ जहाँ पर मोबाइल और जरूरत की चीजें रख सके। ये छोटा सा वुडन शेल्फ मैंने यहाँ पर खुद लगाया था इसलिए ताकि यहाँ पर मोबाइल रख सकें और पास ही पॉइंट है उनको चार्ज कर सकें। आज मैंने यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें उठाई हैं जिसकी वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है, हल्का लग रहा है। और जो जरूरत की बच्चों की मेडिसन है और मेरी मेडिसन है वो मैंने यहाँ पर रखी है। कुछ चीजें मैंने इन बास्केट के अंदर रखी है, ऑर्गेनाइज भी हो गई है और दिखने में अच्छी भी लग रही है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम अक्सर मैं मोहम्मद और अहमद के लिए कुछ नरम गजा बनाती हूँ जैसे चिप्स या कुछ भी। तो आज मैंने इनके लिए बनाया है दूध वाली सेवइयां। ये 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं, मोहम्मद और अहमद की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जब ये 4-5 महीने के होते थे ना तब से मैं इनको बनाकर खिलाती हूँ और आज भी ये दूध वाली सेवइयां जो है ना ये बड़े शौक के साथ खाते हैं। यहाँ पर अहमद पहले ही खाने के इंतजार में बैठा हुआ है, मैं रखती हूँ ये ठंडी हो जाएंगी फिर खाना, अभी गर्म है ठीक है। तो अभी शाम का टाइम है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब मैं और हमजा जा रहे हैं हमजा का मदरसे का यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो हमजा को साथ इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि परफेक्ट हमजा के साइज का यूनिफॉर्म ले लूं, नहीं तो छोटा बड़ा यूनिफॉर्म आ जाता है तो फिर बाद में चेंज करना बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। घर से निकल आए मैं और हमजा, अभी मगरिब के बाद का टाइम है और मौसम माशाल्लाह से इतना प्यारा हो रहा है ठंडा ठंडा। अभी हम लोग पहले आए हैं लाइट हाउस, यहाँ से मुझे लेनी है एक बेड शीट और उसके बाद हम जाएंगे जैनब मार्केट, वहाँ से हम हमजा के कपड़े लेंगे। कराची में सर्दी आए ना आए लेकिन कंबल की इतनी ज्यादा वैरायटी आ जाती है ना गर्मियों। हम आ चुके हैं कपड़ों वाली शॉप पर, हमजा थक गए हो ना चल चल के, बस अब जल्दी से देखो कपड़े फिर चलते हैं घर। कपड़ा दिखाए कौन सा कपड़ा है, वॉशिंग वेयर में नहीं है आपके पास। मदरसे का यूनिफॉर्म मैंने ले लिया है, इसमें मैंने 2 लिए क्योंकि अगर एक गंदा हो तो फिर दूसरा पहन के जा सकता है और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, कपड़ा भी इसका अच्छा है। बहुत शुक्रिया।
घर के पास पहुंच चुकी हूं, अपने मोहल्ले की दुकान पर आई हूं। यहां से मुझे लेना है आटा, चीनी, पत्ती, घी सुबह के नाश्ते के लिए। में अंधेरा गुप हो रहा है, घर भी हमारा अंधेरे में डूबा हुआ है और लाइट हमारी गई हुई है। अभी हमजा बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार हो चुका है। आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमजा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में तो हमजा से पूछेंगे कि आपने इतनी ज्यादा छुट्टियां क्यों। मैं आ जाऊंगी स्कूल में, बात कर लूंगी, आप परेशान नहीं होना, ठीक है? 9 बजे के बाद आऊंगी। बोतल रख ली बैग में? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर बेरी का दरख्त होता है ना, वहां पर तो पत्थर पड़ते ही पड़ते हैं। ये बात मेरी अम्मी करती थी, जहाँ पर कोई लड़की अकेली हो तो वहाँ पर उसको बहुत सारी निकाह की ऑफर्स आती हैं। अच्छे खासे लोग उसको बोलते हैं, हम आपके खर्चात उठाएंगे, बच्चे की तालीम और तरबियत करेंगे, आपको घर लेकर देंगे, आपको आपके हकूक पूरे करेंगे। मतलब के बहुत सारे हमें सब बाग दिखाए जाते हैं। अभी दोपहर का टाइम है और ऊपर बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा, क्योंकि धूप इतनी तेज है। आज मैंने कुछ सर्दियों के कपड़े निकाले थे, जिनमें से ये हमजा के पुराने कपड़े निकले हैं वाइट कलर के, तो मैंने इनको धोकर फैला दिया था सुबह ही। मैंने सोचा अगर मोहम्मद अहमद को पूरे हुए ना तो आज ये मदरसे पहनकर चले जाएंगे। ने हमजा के कपड़े पहन लिए, माशाल्लाह से मलंग लग रहे हैं कपड़े, इनको लंबे हैं, मतलब चल जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। बाजू बहुत ज्यादा लंबे थे तो बाजू मैंने फोल्ड कर दिए। दिखाओ मोहम्मद बाजू, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, भारी हो गए। और आज इन दोनों ने माशाल्लाह से एक जैसे कपड़े पहने हैं, कैसे लग रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी आप लोग जल्दी से अल्लाह हाफिज़ बोल दो, क्योंकि मदरसे का टाइम हो रहा है। अहमद आप भी जूते पहन लो, फिर मैं आपको छोड़ के आऊं जल्दी। आज मैंने लंच में बनाया है दाल चावल और साथ में अचार, बाकी सब ने खाना खा लिया है। तो अभी हमजा स्कूल से आया है तो ये खाना मैंने उसके लिए निकाला है। लो खाना खाओ, मजे का है खाना? खाया तो नहीं है, लेकिन देखकर हंसे हो ना, इसलिए मैंने पूछा है। कपड़े में हमजा के रात को लेकर आई थी मदरसे के लिए, अभी हमजा खाना खाकर ये पहनकर मदरसे जाएगा। और टोपी मुझे वहां से नई नहीं मिली थी, रात को देर भी हो रही थी, तो घर से ये पुरानी टोपी मुझे मिली है, तो ये पहन के चला जाएगा। कर ली अच्छे से, अब ये लो ये वाली टोपी भी पहनो जल्दी से। अब लग रहे हो पक्के मौलवी। पहले किसी के घर में मदरसा पढ़ता था, वहां जरूरत नहीं थी, तो आज मदरसे में जा रहे हैं जहां पर इसको कारी साहब पढ़ाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोला था वाइट टोपी, वाइट यूनिफॉर्म और शलवार टखना से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी शर्तें हैं। मंथली फीस, एडमिशन फीस, 4 हमजा की पिक्चर, बर्थ सर्टिफिकेट और शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये चीजें चाहिए हैं कारी साहब को। पकड़ो हमजा, मैं अबाया पहन लूं जल्दी। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है, पहले जहां पर हमजा पढ़ता था मदरसा और ट्यूशन, वहां से उसको निकाल दिया गया था। आज आप सब लोगों की ढेर सारी दुआओं से, जो आप लोगों ने कॉमेंट में दी है, और मेरी ढेर सारी मेहनत और जदोजहद की वजह से हमजा का नए मदरसे नए ट्यूशन में एडमिशन भी हो गया है। और आज मैं हमजा के स्कूल में गई थी कि देखूं हमजा वहां पर उसका रवैया कैसा है। वहां पर टीचर ने मुझे बोला हमजा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और दिल लगाकर मैंने दोबारा शादी क्यों नहीं की। जब मेरी डिवोर्स हुई, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, किसी किस्म का लग नहीं रहा था कि इस बंदे के साथ गुजारा होगा। मेरे पास शादी की ऑफर्स थी, मैं खुली आजाद थी, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, मैं अकेली थी, मेरे पास मौका था, तो मैंने दोबारा शादी क्यों नहीं की। उस वक्त हमें ये बात सोचनी चाहिए कि ये जो हमारी गोद में बच्चा है, इसका जो सगा बाप है, जिसका ये खून है, उसने इस बच्चे का एहसास नहीं किया, उसने इसको यारो मददगार छोड़ दिया है। और जो अगला बंदा, गैर बंदा, जिसका इस बच्चे से दूर दूर तक कोई तहल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो जानता नहीं है, तो वो इतने इतने बड़े दावे कर रहा है, तो वो क्यों कर हमारे बच्चे की परवरिश करेगा। अकेलेपन, बेबसी को देख करना मर्द अजरात फायदा उठाते हैं, वहां हमें समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। 3-4 बच्चों के साथ हमें शादी करके घर पर ले जाने को तैयार होते हैं, जब खानदान की उनको बातें सुननी पड़ती है, जिंदगी की जिम्मेदारियां उनके सर पर पड़ती है, उनके सर के ऊपर से नशे का भूत उतर जाता है, तब उनकी असलियत सामने आती है। और तब तक वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी है। और जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, उनको सोने पे, उठने पे, बैठने पे, खाने पे, पीने पे, बोलने पे, पढ़ने पे, हर चीज पर झिड़का जाता है, जलील किया जाता है। तो हम सोचते हैं
कि औलाद के लिए इंसान शादी करता है, तो मेरे पहले शोर से मेरे बच्चे हो गए थे, तो अल्लाह ताला से मदद मांग कर सबर शुक्र करके अगर घर में बैठ जाती तो आज मुझे और मेरे बच्चों को इस तरह से जलील ख्वार ना होना पड़ता। तब बाद के पछताने से बेहतर है ना पहले ही आप सोच समझ कर अगर फैसला कर लें तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता। और दूसरा मसला ये होता है अगर आपकी पहले शोर से बेटी है तो बेटी तो पैदा होते ही जवान हो जाती है, तो हम सोचते हैं हमारी बच्ची है छोटी है इसकी गोद में बिठा लो उसके साथ बैठ दो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। माँ को एहतियात करनी चाहिए, जो हमारी बेटी होती है ना वो शोर के लिए ना महरम होती है, ना हम उसको उसके साथ घर पे अकेला छोड़ सकते हैं और ना हम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल उसके साथ उसको भरोसा करके अकेले भेज सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे केस सामने आते हैं, आप सुनते होंगे देखते होंगे कि मेरा जो शोर है ना मुझे छोड़कर मेरी बेटी के ऊपर नजर रखता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी दोबारा तलाक हुई, जब सुलह हो रही थी, सभी लोग बोल रहे थे लोग और मर गए, तुम उसी बंदे के घर में जा रही हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया है, तो मैं क्यों इसी घर से चिपकी रही, क्या मेरी इतनी बड़ी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं मर्दों पर से भरोसा मेरा उठ गया था, वो इसलिए बचपन से मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को खर्च कपड़ा कुछ भी नहीं देते थे, कोई हकूक पूरा नहीं करते थे लेकिन मार कुटाई खूब करते थे। जब मेरी शादी हुई मैं इस घर में आई तो मेरे शोर मुझे मारते तो नहीं थे, ये आदत उनके अंदर नहीं थी, लेकिन उनके जितने भी ख्यालात थे जितनी भी आदतें थी मेरे वालिद साहब से मैच करती थी, तो इसलिए मैंने किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया। मैंने अकेले सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा किया, सबर किया, पाक दामनी के साथ अपने बच्चों को लेकर बैठी रही, कराए के घरों में बहुत धक्के खाए, भूखें भी देखी, तकलीफें भी देखी, कपड़े नहीं होते थे, गुर्बत थी, बहुत कुछ था, उसके बावजूद मैंने सबर किया, तो उस सबर का सिला मुझे अल्लाह ताला ने दिया, वो मेरा इम्तिहान लेता रहा 15 साल तक। उसके बाद मुझे उसने अपना घर भी दिया, बच्चे भी मेरे थोड़े बड़े हो गए, मेरे हालात भी ठीक किए, मुझे रोजी भी दी, मुझे सब कुछ दिया। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।